अच्छा सर, पीडीएम बनी हुकूमत को गिराने के लिए, हुकूमत से निजात दिलाने के लिए, और बहुत सारी पार्टियों को पार्टी को साथ लेकर चली। अभी दो तीन पार्टियां हैं जो जिसने पीडीएम को छोड़ा है, तो आप क्या समझते हैं कि आगे जाके पीडीएम का बयानिया कमजोर हुआ, या इन पार्टियों के खिलाफ या पीडीएम के खिलाफ जो एस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी वो कामयाब हुई और ये पार्टियाँ एस्टेब्लिशमेंट की साजिश का शिकार हो गई? देखो, आप कोई ताकत वाली बंदूक वाली फोर्स तो नहीं है ना, आप जमहूरी फोर्सेज हैं। तो आपने पुरमन बात करनी होगी, कहीं नशेब आएगा, फराज आएगा, ये भागेगा, ये भागेगा, जिस तरह वो मेंढक को तोलते हैं, एक भागी तो होगा। लेकिन आप इससे एक जबर का अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि इदारों का जबर इतना है कि अपोजिशन एक जगह रह नहीं सकती। तो इसको बजाय इसको पीपल्स पार्टी को मलामत करो या एमपी को मलामत करो, तो ताकत का जहाँ इतकाज़ है उनको मलामत करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट में उनकी अपनी होती है और अपोजिशन में उनकी अपनी होती है।